कृष्णा सेवायाय वमाय न गोविन्दाय नमः अज्ञान तिमलंदस्या ज्ञानंजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितम येना तस्मै श्री गुरुवे नमः श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूपा कदामयम ददाति स्वपदांतिकम वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवा सदि गौर भक्तवृंदा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा राम रामा हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय हरे कृष्णा आप सब भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है आज हम भगवत गीता श्रीमद् भागवतम और ग्रंथों के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि भगवान की भक्ति किस प्रकार से करनी चाहिए और क्या क्या कार्य भक्ति के लिए निषेध हैं। आज हम ये जो हमारा प्रोग्राम का नाम है शास्त्र सार का ये नाम इसलिए हमने लिया कि हम जो सारे के सारे जो ग्रंथ हैं उसके सार के ऊपर केवल चर्चा करें और सारे ग्रंथों का केवल एक ही सार है कि किस प्रकार भगवत भक्ति जीव करे किस प्रकार भगवान के प्रति प्रेम करे जीव का प्रेम बढ़े शास्त्र का सार ये नहीं है कि किस प्रकार कार्य करने से भौतिक उन्नति हो किस प्रकार कार्य करने से पुण्य प्राप्त हो जो भगवान जीव है और जो परमात्मा है ईश्वर है उसके बीच का जो संबंध है उसमें केवल प्रेम ही आधार है उसमें किसी भी प्रकार का व्यापार नहीं है जहाँ पर भी लेन देन की प्रक्रिया होती है उसको व्यापार कहा जाता है तो श्रीमद गीता भगवत गीता में केवल शुद्ध भक्ति की बात हो रही है अगर आप भगवत गीता को ध्यान पूर्वक समझेंगे तो इसमें कुछ ऐसा नहीं बताया गया कि तुम अर्जुन ऐसे कार्य करो तो इससे तुम्हारी भौतिक उन्नति होगी अर्जुन ऐसा कार्य करो तुम्हारी नौकरी लग जाएगी अर्जुन ऐसा कार्य करो तुम राजा बन जाओगे अर्जुन ऐसा कार्य करो तुम बहुत स्वस्थ रहोगे अर्जुन ऐसा कार्य करो तुम्हारे परिवार के अंदर सुख शांति संपन्नता रहेगी नहीं केवल भगवान ने अर्जुन को बोला है कि अर्जुन तुम वो कार्य कर रहे हो जिसमें मेरी प्रसन्नता है जिस कार्य में भगवान की प्रसन्नता हो केवल वो ही भक्ति कहलाती है ओके okay. तो आज हम भगवत गीता अध्याय सात से शुरू करेंगे अध्याय सात और अध्याय नौ में से कुछ कुछ श्लोक हम लेंगे और कुछ और भी श्लोक लेंगे जो हमारे को सपोर्ट करेंगे कि भक्ति में हमें क्या क्या कार्य करने चाहिए देखिए पिछले सप्ताह हमने जब पढ़ा था तो हमने ये पढ़ा था कि जो एक गुरु है और जो एक शिष्य है दोनों की योग्यता का आधार एक ही है वो क्या है वाचो वेगम ममसा क्रोधा वेगम ये जो उपदेशामृत है इसका पहला श्लोक। वाचो वेगम जीवा वेगम उदर प्रस्थ वेगम एतान वेगान यो विषेता धीरा अपि माम मृथ्वी स शिष्यात् जिस गुरु और जिस शिष्य के पास ये गुण है तो वो शिष्य बनने योग्य है और गुरु बनने योग्य है क्या उसके गुण होने चाहिए कि जो व्यक्ति अपनी जो जबान है जीवा उसको संयमित करता है नियंत्रण में रखता है जो जो व्यक्ति भौतिक उसकी इच्छा है मानसिक जो उसकी इच्छा है, है उसको नियंत्रित रखता है जो व्यक्ति अपने क्रोध को नियंत्रण में रखता है क्रोध को खत्म नहीं करना है क्रोध को शास्त्र नहीं बोलता कि क्रोध को खत्म कीजिए क्रोध का नियंत्रण हमारे पास होना चाहिए हमें पता होना चाहिए एक साधक को पता होना चाहिए कि क्रोध कहाँ करना है कहाँ नहीं करना उसका उदाहरण था सबसे अच्छा उदाहरण श्री हनुमान जी हनुमान जी को लंका में प्रताड़ना हुई उनको बहुत बहुत अपशब्द कहे गए हनुमान जी ने किसी को कुछ नहीं कहा हाँ जब उनके ईष्ट के विषय में अपशब्द कहे गए तब उन्होंने पूरी लंका को जला दिया स्वाहा कर दिया तो वो था क्रोध का सही इस्तेमाल उनको जब उनके ऊपर प्रताड़ना हुई तो उन्होंने कुछ नहीं कहा वो हंसते रहे और जब उनके ईष्ट स्वयं भगवान श्री राम के ऊपर जब प्रताड़ना और अपशब्द कहे गए पूरी लंका जला दी तो इसी प्रकार से भक्त को, को कोई गाली दे कुछ भी परिस्थितियों भक्त कभी भी क्रोध नहीं करता हाँ जब उसके ईष्ट जब सिद्धांत के ऊपर बात आती है तब आपको नियंत्रित क्रोध का इस्तेमाल करना चाहिए उसके बाद है कि आपके जो खाने पीने की जो इच्छाएं हैं जो आपकी जो आपके, आपके उधर की जो इच्छाएं हैं कि पेट भर जाए ओवर ईटिंग हो रही है व्यक्ति की बहुत ज्यादा खा रहा है तो मांसाहार खा रहा है तला हुआ खा रहा है बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा मसालेदार खा रहा है तो वो उसको नियंत्रण में रखना चाहिए एक साधक को और गुरु है और चाहे वो शिष्य है दोनों के दोनों ही साधक हैं जब तक भगवत प्राप्ति ना हो जाए अपने जो जन निय हैं नियंत्रण करना इसका केवल तभी इस्तेमाल करना जब आपको पता हो कि हाँ मुझे एक बच्चा चाहिए जिसको मैं आगे भगवान की सेवा में लगाऊंगा ना कि अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए बच्चे को पैदा करना हाँ कि बच्चा होगा मैं उसको सारा जमीन जायदाद दूंगा अपनी वसीयत दूंगा सब दूंगा बच्चा इसलिए नहीं होता कि वंश आगे बढ़ेगा आप देखिए हजारों करोड़ों सालों से कितने राजा आए कितने गए और कितने वंश चले और कितने खत्म हो गए उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ा इस पृथ्वी पर जिस व्यक्ति के पास ऐसे गुण हैं जो अपनी जबान को जीवा को क्रोध को अपनी इंद्रिय जो होता है जन इंद्रियों को कंट्रोल में करे नियंत्रण में करे ऐसा व्यक्ति गुरु बन सकता है ऐसा व्यक्ति ही शिष्य बन सकता है उसके बाद आ गया कि ऐसे छः कार्य करना ऐसे छः कार्य करना कि जिसके माध्यम से आप भक्ति को में आगे बढ़ सकते हैं ऐसे छह कार्य करना जिसके माध्यम से आप भक्ति में गिर जाएंगे तो हम उसके विषय में पढ़ेंगे फिर हमने अगला श्लोक पढ़ा था अत्याहार प्रयास प्रजल्पा नियमाग्रह जनसंज्ञ च शब्द व्यक्ति विनाशति ये छह प्रकार के गुण हैं जिससे भक्ति का विनाश हो जाएगा आप किसी भी स्थान पर रहिए आप वृंदावन रहिए आप अमेरिका रहिए आप फ्रांस रहिए इटली रहिए चाइना कहीं भी रहिए अगर ये नियम आप पालन कर रहे हैं शास्त्र के दिए हुए तो कहीं भी आप रहेंगे वहाँ पर रहते हुए आप भक्ति में उन्नति करेंगे और अगर इन नियमों को आप तोड़ते हैं तो भक्ति में आप गिर जाएंगे वो क्या नियम है कि बहुत ज्यादा पैसा धन इकट्ठा करना बहुत ज्यादा खाना खाना बहुत भगवत गीता बताती है बहुत ज्यादा खाना खाना बहुत कम खाना खाना आपकी भक्ति को प्रभावित करता है उसके बाद भगवान बता रहे हैं शास्त्र बता रहा है कि बहुत ज्यादा प्रयास करना किसी भौतिक वस्तु को पाने के लिए ऐसे प्रयास में व्यक्ति अपना जो ये बहुमूल्य जो जीवन मिला है जिस जीवन को केवल हरी भक्ति करने के लिए हमें दिया गया है उसको हम खराब कर लेते किसी भौतिक वस्तु विशेष को पाने के लिए बहुत ज्यादा प्रयास करते हैं उससे हम अपने जीवन का बहुत साल जीवन के खराब कर देते हैं उसके बाद है प्रजल्पा प्रजलपा मतलब अनवांटेड टॉक्स कि आपका जो विषय भी नहीं है उस विषय के ऊपर भी आप बोल रहे हैं कि सरकार को ऐसा करना चाहिए था सरकार को ऐसा करना चाहिए था हमारे मोहल्ले वाले सब बुरे हैं हमारे देश वाले बुरे हैं देखिए जिस व्यक्ति को भक्ति में उन्नति करनी है वो सिर्फ अपने विषय पे ही ध्यान केंद्रित करेगा वो संसार में क्या चल रहा है उसे भूल जाता है मैं तो बोल रहा हूँ ये भक्ति की बात है जिस व्यक्ति को भौतिक उपलब्धि भी कोई चाहिए होती है किसी को बहुत बड़ा अधिकारी बनना है आप उसे ऐसे एक विद्यार्थी को भी देखिए वो सारे अपने रिश्तेदारों को वो सारे आसपास में जो संसार में चल रहा है उसको भूल के एक चित्त हो के एकाग्र चित हो के वो अपना पढ़ाई करता है और अपने लक्ष्य की प्राप्ति करता है और यहाँ पर जो लक्ष्य है सबसे बड़ा लक्ष्य है हरि भक्ति हरि की प्राप्ति करना तो इसके लिए हमें इस नियम को बहुत ज़्यादा अच्छे से पालन करना पड़ेगा चौथा है कि कोई भी ऐसा आप आध्यात्मिक कार्य कर रहे हैं जिसमें कि आपको उसका अर्थ नहीं पता उसमें आपको पता नहीं कि वो कार्य करने से आपको आध्यात्मिक उन्नति मिलेगी या नहीं मिलेगी कि परंपरा में कोई कार्य करते आ रहे हैं हमारे जी पांच परंपरा से हम ऐसे काम कर रहे हैं हम तो हमें ये कार्य को करना है पूजा पाठ तो ऐसे कार्य से कोई आध्यात्मिक उन्नति नहीं होती क्या है नियम आग्रह कहा गया शास्त्र की भाषा में से नियम आग्रह कहा गया कि आप कोई व्रत कर रहे हैं आप कोई जप कर रहे हैं कुछ भी कर रहे हैं लेकिन आपको उसमें आध्यात्मिक उन्नति के विषय में नहीं पता जैसे होता है कि अब बहुत बहुत भारत में ए, छोटे छोटे जिले कस्बों के अपने नियम कानून होते हैं जिसको वो अध्यात्म से जोड़ के देखते हैं कि आज होली है तो उसमें जाके चौराहे के बीच में लकड़ी को जला देंगे तो इससे कुछ होगा लेकिन उनको ये नहीं पता कि हमारी आध्यात्मिक उन्नति क्या हो रही है उसका पीछे का अर्थ नहीं पता कि ये कार्य अगर कर रहे हैं तो इससे हमारे क्या दोष खत्म होंगे और किस प्रकार से हम आगे भक्ति में बढ़ेंगे अब उसके बाद आ गया कि जो सांसारिक बुद्धि सांसारिक प्रवृत्ति के लोग हैं उनका संग करना एसोसिएटिंग विद द वर्ल्डली माइंडेड पर्सन इंटरेस्टेड इन कृष्णा कॉन्शियसनेस उन लोगों का संग करना जो कि भगवत भक्ति में जिनका कोई रुचि नहीं है जब आप ऐसे रिश्तेदारों का ऐसे मित्रों का ऐसे पड़ोसियों का ऐसे अपने साथियों का आप संग करते हैं तो उससे आपकी भक्ति का विनाश होता है देखिए अगर आपको बहुत अच्छा क्रिकेटर बनना है तो आपको क्या करना पड़ेगा उस जगह पे जाना पड़ेगा जहाँ पर सब लोग क्रिकेट खेलते हैं वहाँ पर क्रिकेट के ही टीचर हैं आपके साथी गण भी कोई अच्छा बॉलर है कोई अच्छा फील्डर है ऐसे जगह पे नहीं जाना पड़ेगा जहाँ लोग फुटबॉल खेल रहे हैं या फिर टेनिस खेल रहे हैं अगर आपको हरी भक्ति करनी है अगर आपको हरी की प्राप्ति करनी है अगर आपको भगवान से मिलना है इस जन्म को इस शरीर को त्यागने के बाद तो आपको केवल भक्तों का संग करना पड़ेगा आपको उन लोगों का संग करने से कुछ नहीं मिलेगा जो कि केवल भौतिक जीवन की दैनिक जीवन में व्यस्त हैं, जिनको भक्ति से कोई लेना देना नहीं है और जो तीसरा इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें एक पॉइंट है वो है कि भौतिक उपलब्धि के लिए बहुत लालची बन के रहना देखिए देवताओं की और राक्षसों की दो माए थी उनके पिता है कश्यप ऋषि मां का नाम है अदिति देवताओं की जो माँ है और दिति जो है वो राक्षसों की माँ है अदिति और दीति एक देवताओं की माँ एक राक्षसों की तो इसी प्रकार से ये दो बहने थी और इसी प्रकार से नीड और ग्रीड भी दो बहने हैं एक तो है जरूरत और एक है लालच लालच और जरूरत के बीच में एक बहुत महीन लाइन है ये जो लकीर है ना इस लकीर को इस तरफ आ जाएंगे तो लालच हो जाएगा इस तरफ आ जाएंगे तो जरूरत रहेगी तो शास्त्र हमें सिखाता है कि हमें केवल वो कार्य करना चाहिए जिससे हमारी भौतिक जरूरतें पूरी हों लालच नहीं करना चाहिए लालची व्यक्ति का जीवन में कोई ऐसा कार्य नहीं जिससे उसको संतुष्टि मिले उसका जीवन केवल और केवल बर्बादी की के तरफ बढ़ता है आप समझिए इस बात को इस उदाहरण से समझना पड़ेगा कि आज आपको और हमें एक एक ऑफर दिया जाता है क्या ऑफर दिया जाता है कि आप एक ऐसे कमरे में जाइए जिसमें हजारों लाखों टन सोना पड़ा हुआ है सोना जिसमें सोने के गहने हैं सोने के बर्तन हैं हीरे मोती हैं और आपको बोला जाए आप दो घंटे के लिए इस कमरे में जाएंगे 120 मिनट के लिए आपको जो करना है सोने से कीजिए लेकिन जब आप बाहर आएंगे तो आप उसमें सोने का एक डस्ट भी नहीं लेके आ सकते अपने संग सोने का एक कण भी नहीं लेके आ सकते तो केवल मूर्ख व्यक्ति ही ऐसी जगह पे जाएगा और अपने 120 मिनट खराब करेगा तो ये भौतिक संसार भी ऐसा ही है इसमें व्यक्ति की जो भी अवधि है जीवन की 50 साल 20 साल 30 साल 40 साल 80 साल कितना मर्जी प्रयास कर ले कितने बड़े महल खड़े कर ले कितना बड़ा व्यापार कर ले कितना मर्जी धन को एकत्र कर ले, लेकिन मृत्यु के समय आपको एक कण भी आप अपने संग नहीं लेकर जा सकते अगले जीवन की तरह अगले जीवन के लिए शास्त्र कहता है मृत्यु सर्वे हरिश्चम मतलब कि मृत्यु जो होती है सब कुछ आपका हर लेती है तो इसी प्रकार से मृत्यु के समय सब कुछ हमसे हर लिया जाएगा ये वो ही कमरा है जिसमें आप जाएंगे सोना हीरे के गहने हैं सब कुछ है उसमें लेकिन जब आप कमरे से बाहर आएंगे तो कुछ भी नहीं लेके जा सकते अपने संग तो व्यक्ति को समझना चाहिए एक जो भगवान का भक्त होता है वो सब सबसे ज्यादा बुद्धिमान होता है उसको पता है कि उसको कब क्या कार्य करना है उसको पता है कि क्या कार्य को करना चाहिए क्या कार्य को नहीं करना चाहिए तो अब हम वो छह नियमों को पढ़ेंगे जिससे कि भक्ति की वृद्धि होती है उत्साह निश्चय धैर्य तत्कर्मा परिवर्तनात् संग त्याग सतो शब्दिर भक्ति प्रसिद्धि ये ऐसे छह प्रकार के कार्य हैं जिसको करने से क्या होगा कि भक्ति में प्रसिद्धि मिलेगी भक्ति में हमें सिद्धि मिलेगी अब वो कैसे हैं हमेशा उत्साहित होता है एक भक्त आप देखेंगे जो एक भगवान की साधना कर रहा है जो एक साधक है उसके अंदर हमेशा एक बहुत ज्यादा उत्साह होगा इतना ज्यादा उत्साह होगा उसके अंदर कि लोगों को लगेगा कि ऐसा क्या ये करता है कि जिसमें इसमें इतना उत्साह है जीवन के प्रति क्यों क्योंकि वो श्री हरि की भक्ति कर रहा है वही उत्साह का सबसे बड़ा कारण है उसके बाद है कि जो भी वो कार्य करता है भक्ति के अंदर उसके 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 ऊपर पूरा विश्वास है उसको पूरा का पूरा विश्वास है कि वो कार्य कभी भी उसका खराब नहीं होगा उसको भगवान श्री कृष्ण की अपनी प्रतिज्ञा याद है कौन थे प्रति जान ही नामे भक्त प्रनिश्चित उन्होंने बोला अर्जुन ऐलान कर दो इस बात का कि मेरे भक्त का भी नाश नहीं होता तो भक्ति के प्रति भगवान के प्रति एक भगवान को पत्ता भी चढ़ाया हुआ कभी व्यर्थ नहीं जाता ये भगवदगीता बोलती है हमारे शास्त्र कहते हैं तो एक जो साधक है उसको हमेशा के हमेशा उसको एक बात का ध्यान रहता है कि मैं जो भी कार्य कर रहा हूं इसमें देर है लेकिन अंधेर नहीं है ऐसा कभी भी नहीं होगा कि मेरा कार्य व्यर्थ हो जाएगा उसके बाद है उसके अंदर धैर्य बहुत होता है उसके अंदर धैर्य बहुत होता है उत्साह देधे निश्चित धैर्यात तत्त कर मत उसके बाद है जो भी वो कार्य करेगा वो शास्त्रों के आधार के ऊपर करेगा वो एक साधक कभी भी ऐसा कार्य नहीं करता जो कि शास्त्रों के बाहर जाके हो यह चौथा एक नियम है जो भक्ति में आगे बढ़ता है और शास्त्रों के नियम क्या है जो नवधा भक्ति होती है क्या है श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम जो श्रवण है कीर्तन है विष्णु का स्मरण है अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदन पाद सेवनम ये नवधा भक्ति के नौ अंग होते हैं किसी भी अंग को पकड़ के व्यक्ति हरि तक पहुंच सकता है उसके बाद है संग त्याग व्रते जो अभक्त होते हैं कभी भी उनका संग नहीं करना कभी भी अभक्तों का संग नहीं करना यह सबसे बड़ा नियम है भक्ति का उसके बाद है कि ऐसे लोगों से सदैव दूरी रखना जो कि आपकी भक्ति को खत्म कर दें साधु साधु का क्या गुण होता है दर्शन पवित्र करे यही तुम्हारा गुण साधु का क्या होता है जैसे आप साधु के दर्शन करेंगे दर्शन करने मात्र से ही आपके अंदर एक एक इच्छा प्रकट होगी हाँ मुझे भी इसके जैसा बनना है हाँ मुझे भी थोड़ी भक्ति करनी है मैं बोल रहा हूँ राक्षस से राक्षस जीव के हृदय में भी साधु के दर्शन करने के बाद विनम्रता आ जाती है उसके अंदर एक इच्छा आती है कि धर्म का ज्ञान आ जाता है उसके अंदर धर्म के प्रति संवेदनशील हो जाता है ऐसा व्यक्ति तो इसे बोलते साधु का संग करना और जो कर्मी लोग होते हैं जब हम कर्मी लोगों का संग करते हैं इसमें क्या होता है कि आप कितने भी अच्छे भक्त होंगे ना किसी भी माध्यम से आप उनको सुनेंगे चाहे आप टेलीविजन पे देखिए चाहे आप अपने मोबाइल पे देखिए चाहे आप उनको साक्षात में मिलिए तो आप जैसे उनका संग करेंगे तो आपका जो भगवान है उसके प्रति श्रद्धा कम होगी जो आपका उत्साह है भक्ति के अंदर वो कम हो जाएगा आपके अंदर भौतिक इच्छाएं बढ़ने लगेंगी अब देखिए सत्संग का अर्थ क्या होता है सत्संग का अर्थ होता है कि आपने कुछ सुना और वो आपने अपने, अपने हृदय में धारण कर लिया अपने मस्तिष्क में धारण कर लिया संग का अर्थ है कि आपको कुछ लेके आया वहां से तो अभी हमने देखा कि नवधा भक्ति का नवधा भक्ति एकमात्र एक, नवधा भक्ति एक और साधन है जिसके माध्यम से हम हरी भक्ति कर सकते हैं उसके बाद पांचवा नियम है कि कर्मी लोगों का जो वर्ल्डली माइंडेड लोग हैं जो भौतिक जिनकी इच्छाएं हैं बहुत ज्यादा जो व्यसन में ग्रस्त हैं ऐसे लोगों का कभी संग नहीं करना चाहिए देखिए आपको समझ आएगा जब आप किसी एक भक्त से मिलेंगे उसकी वेशभूषा कैसी भी है जो ऐसा व्यक्ति है ऐसा जीव है जो कि भगवान का चिंतन करता है भगवान के दिए हुए मार्ग पर चलता है एकदम कट्टरता से कट्टरता बहुत जरूरी है कट्टरता का ये अर्थ नहीं है कि आप हिंसक हो जाए कट्टरता का अर्थ है आप जो भी कष्ट देंगे वो अपने आप को देंगे अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कट्टरता का अर्थ है कि आप तप हमें बहुत ज़्यादा कट्टर हैं आप अडिग हैं कट्टरता का अर्थ नहीं है कि जो मेरे रास्ते को मान नहीं मानेगा उसकी मैं गर्दन उतार दूंगा तो कट्टरता से जब आप इस नियम को पालन करते हैं तो आपको भगवान की भक्ति मिलती है जैसे जो व्यसन में ग्रस्त लोग हैं जैसे आप उनसे मिलेंगे आपके जो भी भक्ति है जो भी भक्ति करने की इच्छा है उसमें कमी आ जाएगी आपके अंदर जो भी भगवान के प्रति श्रद्धा है जो भी भगवान के प्रति विश्वास है जो आपके हृदय के अंदर जो बहुत उत्साह है वो भी कम हो जाएगा और जब भगवान के भक्त से मिलेंगे भगवान के भक्त से मिलने का एक लक्षण होता है कि आपके अंदर एक पॉजिटिविटी आ जाएगी आप आशावादी हो जाएंगे आपके अंदर भी आएगा कि हाँ मुझे भी ऐसा व्यक्ति बनना है हाँ मुझे भी भक्ति करनी है तो भगवान के भक्त का मिलने का ये असर होता है आपको अपना भविष्य दिखता है उस भक्त के अंदर तो ये भगवान के भक्त का लक्षण होता है अब इसमें छठन जो नियम है कि जो हमारे पूर्व के जो आचार्य हैं जो पूर्व के भक्त हुए हैं वो तो कोई भी धर्म कोई भी मजहब के हो सकते हैं आप उनका पालन करेंगे उनके चरणों को पीछे 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 चलेंगे जैसा जैसा उन्होंने भक्ति के लिए कार्य किया वैसा वैसा त्याग तपस्या करेंगे अब इन जो छह नियमों को पालन करेगा वो व्यक्ति भक्ति में बहुत आगे बढ़ेगा अब इसको एक बहुत ज़्यादा शास्त्र के एक उदाहरण से समझते हैं ये उदाहरण है हमारा रामायण से आपने सब ने सुना होगा मतंग मुनि थे मतंग मुनि अपने शिष्यों के संग एक जंगल में रहते थे अपने आश्रम में तो वहाँ पर एक माता जी पहुँची बहुत वृद्ध थी उन माता का नाम था शबरी माता अब शबरी माता जब मतंग मुनि के आश्रम पहुँची तो उन्होंने मतंग मुनि को गुरु स्वीकार किया मतंग मुनि ने उन्हें अपना शिष्य माना और मतंग मुनि ने उन्हें दीक्षा दी शिक्षा दी और एक ऐसा नियम है कि सन्यासी कभी भी ऐसी जगह पे स्थान पे नहीं रहता जहाँ पर एक स्त्री हो ऐसा नहीं है कि स्त्रियों के अंदर कोई दोष है एक संन्यास का नियम है भक्ति के नियम है जब हम नियम कायदे का पालन करेंगे उससे हमें हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने में ज्यादा आसान होगा तली आसानी से हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे तो जब मतंग मुनि ने उनको दीक्षा और शिक्षा दी उसके बाद मतंग मुनि अपने अन्य शिष्यों के संग उस स्थान को छोड़ के चले गए अब देखिए माता शबरी के यहाँ पर ये जो हमने छह नियम पढ़े हैं उत्साह निश्चय धैर्य तत् तत्कर्मा संग त्याग सजो व्रत शब्द प्रसिद्ध थी ये जो छह नियम है माता शबरी ने अपने जीवन में बहुत अच्छे से पालन किए वो नियम क्या है कि माता शबरी को जब उनके गुरु बता के गए आप इस प्रकार से नवधा भक्ति कीजिए क्योंकि भक्ति करने का एक तरीका ही नवधा भक्ति के अंदर आएगा कहीं बाहर से और कोई तरीका नहीं मिल सकता कभी भी कि आप कल्पना करके भगवान को पालेंगे ऐसा नहीं होता तो माता शबरी ने नवधा भक्ति करी अब नवधा भक्ति में क्या होता है श्रवण होता है कीर्तन होता है वंदना होती है अर्चना होती है आपको आत्मनिवेदन होता है पाद सेव सेवनम होता है तो भक्ति के नौ अंग है जिसमें आप भगवान को हर एक अंग के अनुसार प्रसन्न करते हैं आप श्रवण करेंगे सिर्फ हरि के विषय में आप जो भी बोलेंगे वो हरि के विषय में होगा आप भगवान के एक विग्रह की सेवा करेंगे आप भगवान का पूर्ण रूप से उस विग्रह को भगवान साक्षात मान के आप समर्पित हो जाएंगे तो ये नवधा भक्ति के एक अंग हैं अब माता शबरी को देखिए आप उनके गुरु उनको बता के गए कि आप इस नवधा भक्ति को कीजिए एक दिन राम आएंगे उन्होंने ऐसा नहीं बोला था कि दो साल बाद राम आएंगे पाँच साल बाद राम आएंगे सौ साल बाद राम आएंगे उन्होंने कोई शबरी माता को कोई डेट नहीं दी थी कि हाँ मेरे शिष्य आपको इस समय राम मिलेंगे उन्होंने बोला आप इसका पालन कीजिए तो राम मिलेंगे अब माता शबरी का रोज का क्या नियम था सुबह सुबह उठे आश्रम को साफ किया भगवान के आसन को सजाया जंगल गए फल लिए पत्ते लिए फूल लिए उस पूरे रास्ते को उसको सजाया ये सालों साल का नियम था शबरी माता को उनको डेट नहीं पता थी कि कब भगवान श्री राम उनके पास आ रहे हैं ऐसा नहीं था कि जब आपने देखा होगा जब राम जी माता शबरी के आश्रम पहुंचते हैं तो पूरा फूलों से आसन बना हुआ था माता शबरी के हाथ में फल थे जिसको वो भगवान को टेस्ट कर रही थी माता शबरी उसको देख रही थी कौन सा फल मीठा है कौन सा मीठा नहीं है जो मीठा है उसको मैं भगवान को चढ़ाऊंगी जब भगवान है क्यों उनके पास विग्रह हैं उस विग्रह और भगवान में कोई अंतर नहीं है अब माता शबरी ने क्या किया फूलों का रास्ता बनाया भगवान का आसन सजाया उसके ऊपर जल भगवान को समर्पित जल भगवान के लिए ऑफर किया अब इसमें ऐसा नहीं था कि माता शबरी सोच रही कि जब आएंगे राम आधे घंटे पहले मुझे पता चल जाएगा जब राम आएंगे तो मैं बोलूँगी आप बैठिए मैं पूरी तैयारी करती हूँ नहीं एक भक्त है वो हर दिन हर दिन उस तरीके से साधना करता भजन करता कि जैसे अगले ही क्षण उसको भगवान मिल जाएंगे और हमें भी नहीं पता भगवान कब प्रसन्न हो जाए हमसे तो माता शबरी को देखिए सालों साल वो कर रही है आप देखिए आप इमेजिन करके देखिए आज हम बैठे हैं पांच दिन तो दीक्षा के बाद हमारा एक भगवान को विग्रह की सेवा करेंगे फिर लगता है कि कितने साल तक करेंगे उत्साह कम हो जाता है लेकिन माता शबरी का कभी भी उत्साह खत्म नहीं हुआ उत्साह निश्चय धैर्य उत्साह हर दिन था देखिए जिस व्यक्ति के अंदर उत्साह नहीं होगा ना वो सुबह मंगला आरती के लिए नहीं उठ सकता जिस व्यक्ति के लिए उत्साह नहीं होगा वो भगवान का विग्रह को स्नान नहीं करवाएगा जिस व्यक्ति के लिए उत्साह नहीं होगा वो अपना मंत्र जाप भी नहीं कर पाएगा तो उत्साह तो रखना ही पड़ेगा अगर हरि भजन करना है हरि की प्राप्ति करनी है तो माता शबरी ने क्या किया उत्साह था उनके अंदर निश्चय था कि मेरे जो गुरु ने बोला है वो भ्रम वाक्य है वो अटल सत्य है कि राम आएंगे तो मतलब आएंगे ही आएंगे अब जब आपको अपने गुरु की वाणी पे भगवान की वाणी पे जब पूरा विश्वास होगा पूरा भगवान के प्रति समर्पण होगा तब आपके अंदर वो निश्चय आएगा उत्साह निश्चय धैर्य फिर भगवान कब आएंगे और आपको रोजाना वो कार्य करना है नवधा भक्ति करनी है तो उसके लिए आपको धैर्य की बहुत ज्यादा जरूरत है कि धैर्यशील व्यक्ति होता है कि वो रोजाना उत्साह और निश्चय को रखते हुए उस कार्य को करे जा रहा है करे जा रहा है करे जा रहे इसे बोलते हैं बींग पेशेंट धैर्य बहुत जरूरी है भक्ति के अंदर एक जो साधक होता है 25 25 50 50 साल 60 60 साल 70 70 साल तक साधना करते हैं एक बहुत महान संत हैं जो काशी में रहते हैं उनकी आयु है लगभग 118 वर्ष की आज के समय भी वो महान संत क्या करते हैं अपने कुटिया से निकलते हैं गंगा स्नान करेंगे फिर काशी विश्वनाथ को जाके खुद वो लाइन में लग के लाइन में लग के वो अभिषेक करेंगे और उनकी साधना करते हैं एक हमारे बहुत महान संत हैं सिया राम बाबा आप देखिए पचास पचास साठ साठ सत्तर सत्तर साल तक वो भगवान की सेवा करते हैं क्यों उनके पास ये नियम है उत्साह निश्चय धैर्य ये आपको तीनों चीज़ें रखनी पड़ेंगी उत्साह भी रखना पड़ेगा निश्चय भी रखना पड़ेगा और धैर्य भी रखना पड़ेगा और केवल ये भगवान का जो अच्छा साधक है जिसको अपने गुरु पे पूर्ण समर्पण है वही ऐसा व्यक्ति इन तीनों चीज़ों को रख सकता है अपने पास और अब जब माता शबरी को देखते हैं तो उन्होंने रोजाना किया अगर उनके पास उत्साह कम हो जाता वो रहती अपने आश्रम में कि आएंगे जब राम तो तब देखा जाएगा नहीं रोजाना उन्होंने भगवान के लिए आसन बनाया आश्रम को सजाया फूलों से रोजाना फिर एक दिन भगवान श्री राम आए आजकल तो हमारे जब गुरु आने होते हैं तो हमें पता चल जाता आधे घंटे पहले कि भैया आधे घंटे में हम लोग पहुँच रहे तैयारी कर दो हम कीर्तन करना शुरू कर देते हैं नहीं जब भगवान श्री राम एकदम सरप्राइज विजिट हुई शबरी को नहीं पता था कि भगवान श्री राम आ रहे हैं आज का दिन वही है जब भगवान और उसका मिलन होना है, वास्तविक प्रत्यक्ष जिसे बोलते हैं तो जब भगवान पहुंचे तो क्या था शबरी अपने भगवान के ध्यान में थी उनको फल समर्पण समर्पित कर रही थी आसन अच्छे से था पूरा आश्रम फूलों से सजा हुआ था और वो भगवान के भजन गा रही थी तो एक भक्त की यही परिस्थिति होती है एक भक्त डेली डेली वही अभ्यास करता रहता है करता रहता है करता रहता है और एक दिन भगवान से जरूर मिलता है जैसे माता शबरी को भगवान श्री राम मिले इसी प्रकार से आज के समय में भी भक्तों को भगवान मिलते हैं प्रत्यक्ष भगवान से ऐसा होता है जो व्यक्ति अच्छे से भजन करता है वो फेस टू फेस भगवान से मिलता है तो ये नियम भक्ति का बहुत ज़्यादा जरूरी है उत्साह निश्चित धैर्य तथा तत्कर्म प्रवर्तनात् कर्मी लोगों का कभी भी संग नहीं करना चाहिए कर्मी लोगों का संग ऐसा है कि वो अच्छे से अच्छे साधक की भी भक्ति को पूरा विनाश करने का क्षमता है उनके पास और एक भक्त के पास क्या होती है बुरे से बुरे व्यक्ति को भी एक साधक बना दे वो भगवान की भक्ति में चला दे तो हमेशा हमें बचना चाहिए कि, कि किसका संग कर रहे हैं संग मतलब कि हम क्या सीख रहे हैं उससे हाँ संसारिक जीवन है हमें अपने ऑफिस में बाहर बहुत लोगों से मिलना पड़ता है लेकिन आप उसका संग मत कीजिए आप उससे कुछ ही सीखिए मत आप उससे आकर्षित मत होइए एक भौतिकवादी व्यक्ति ऐसा हो सकता है बहुत महंगे घर में हो बहुत महंगी गाड़ी में हो बहुत उसके पास पैसा है लेकिन आपको सदैव अपने जो ईष्ट हैं उन पे ध्यान केंद्रित रखना है कि आपके ईष्ट से ज़्यादा जो षड ऐश्वर्य हैं वो किसी के पास नहीं उनसे ज़्यादा पैसे वाला कोई नहीं उनसे ज्यादा सुंदर कोई नहीं उनसे ज्यादा वैरागी कोई नहीं उनसे ज्यादा शक्तिशाली कोई नहीं है उनसे ज्यादा बुद्धिमान कोई नहीं है तो आपको अपने इष्ट को पूरा ध्यान में रखना है तो जब आपके इष्ट पे आपका पूरा ध्यान केंद्रित होगा तो किसी भी भौतिक व्यक्ति से आप आकर्षित नहीं होंगे तब आप जब आप आकर्षित नहीं होंगे तो आप उसका संग भी नहीं लेंगे